आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सतना जिले में कोरोना का फैलाव जारी। शहर में आज 2 मौत हुई। जिले में पॉजिटिव बढ़कर 222 हुए, एक्टिव केस बढ़कर 73 हुए। जिले में कोरोना से 12 मौत हो चुकी है। कोरोना ने सतना सेंट्रल जेल में दी दस्तक। 2000 कैदी पॉजिटिव पाए गए। नए बंदी आइसोलेशन वार्ड में अलग रखे जा रहे हैं। पैरोल पर बाहर बंदियों की अवधि बढ़ा दी गई है। फिर जेल में कोरोना कैसे पहुंचा, बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश अनलॉक 3 का 7वां दिन। संक्रमितों की संख्या 36,714 तक पहुंची। एक दिन में 830 नए मरीज मिले। 838 ठीक होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केस मामले 16वें नंबर पर आया प्रदेश। इंदौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 के पार हुआ। सीरो सर्वे के लिए किट मिली। 1-2 दिन में शुरू होगा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने का काम। इंदौर में दिन की शुरुआत रिमझिम फुहारों से। अब तक 15 इंच पानी गिरा। औसत के लिए अभी भी 19 इंच बारिश की जरूरत। अनलॉक 3 रात का कर्फ्यू अब 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। प्रदेश में बाजार 2 घंटे ज्यादा खुलेंगे। इंदौर का फैसला गाइडलाइन के बाद। हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में बोले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए महायज्ञ। हमारे प्रयासों से पूरी शताब्दी को दिशा मिलने वाली है। जहरीली शराब का मामला। शराब पीने से मरने वालों के परिजनों से मिले कैप्टन। 5 लाख और नौकरी देने का किया ऐलान। भीषण बारिश से बिहार और मुंबई का हाल बेहाल। मध्य प्रदेश में जान जोखिम में डालकर नाव से नर्मदा पार कर रहे लोग। रेलवे का नया आदेश। रेलवे में अब खलासियों की भर्ती नहीं होगी। 1 जुलाई के बाद मंजूर हुई भर्तियों का भी रिव्यू किया जा सकता है। IIT जोधपुर की टेक MBA में फर्स्ट ईयर से मिलेगी फॉरेन इंटर्नशिप। डिजिटल टेक्नोलॉजी पढ़ने का मौका भी मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रिंसिपल और लेक्चरर के 144 पदों पर निकाली भर्तियां। 7 अगस्त से शुरू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। संघ प्रमुख का भोपाल दौरा। चुनाव को देखते हुए 20 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं मोहन भागवत। शनिवार को ट्रेन से पहुंचेंगे, कार्यालय में ठहरेंगे। बड़ी डील की संभावना। टिकटॉक की भारत में फिर हो सकती है एंट्री। इस चीनी ऐप के वैश्विक कारोबार खरीद सकती है माइक्रोसॉफ्ट। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।